गुड इवनिंग एवरीवन, मैं शुभम स्वागत कर रहा हूँ आप सभी को मेरा और एक नया ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छा ही होंगे। और आज का ब्लॉग का शुरुआत देखो भाई, मैं कहाँ से कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो भाई, ये है सॉल्टलेक व्यू पॉइंट भाई। काफ़ी कमाल का जगह होता है भाई, मतलब एक तरह का वहाँ वॉक करने के लिए बना हुआ है। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो भाई आपको बैठने के लिए चेयर वगैरह भी बना हुआ है, आप बैठ सकते हो, मस्त है भाई। मैं तो लाइक जब मैं अकेला रहता हूँ ना भाई, मैं मस्त आ जाता हूँ वहाँ पे, एक घंटा दो घंटा बैठ के जाता हूँ। हाँ, थोड़ा मच्छर का दिक्कत है, बाकी जगह कमाल का है भाई, मेरे को मस्त लग रहा है, ठीक है। और ये जो पास में ना भाई, बहुत ही कुछ है, तो लाइक आपका मियाँ अमर हो गया, डोमिनोज हो गया, बिगिस बर्गर, ठीक है, बर्गर किंग, काफ़ी कुछ है। तो आज मैं सोच रहा हूँ आज कुछ बर्गर या फिर राफ खाने का मेरे को मन करता है, ठीक है। तो यही वॉक करके जा रहा हूँ, पास में ही है, दिखता हूँ कहाँ जाऊँगा। अभी गूगल में मैं देखा, बहुत ही कुछ का ऑप्शन है भाई, भर भर के ऑप्शन है, तो इसीलिए मैंने कुछ अभी तक माइंड सेट नहीं किया कि वहाँ जाऊँ या ट्राई करूँ, ठीक है। बस जा रहा हूँ, जब सामने में दुकान सब दिखने को लगेगा तब तो मेरा माइंड में घुसेगा नहीं ये नहीं वो ट्राई करते हैं, ऐसा ही होगा, ठीक है। बाकी भाई जगह कमाल का होता है। तो भाई ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब आप देख रहे हो, ये सब भाई IT कंपनीज है भाई। और एक बात, जिन लोगों को भाई क्लबिंग वगैरह पसंद है, आप लोग इस वाला साइड में आ सकते हो भाई, मतलब लाइन में क्लब है भाई, लाइन में क्लब है। मतलब कम से कम अगर मैं कभी तो काउंट नहीं किया हूँ, फिर भी जहाँ तक मेरे को पता है कम से कम 20-25 क्लब है भाई इस एरिया में। पर्टिकुलर ये जो सामने में आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये वाला, इसके अंदर में 2 क्लब है। मेरे को भाई क्लबिंग वगैरह पसंद नहीं, इसीलिए मैं कभी नहीं जाता हूँ, लेकिन भाई मैं दिखाऊँ क्लबिंग करने के लिए भाई ये वाला जगह मस्ट है, आप आ सकते हो। बाकी ये पूरा एरिया भाई IT कंपनी में भरा हुआ है, जितने भी सारे आप देख रहे हो ना भाई, ये सब सारी की सारी IT कंपनी, मतलब सारी की सारी, मतलब 90% आपको IT कंपनी ही मिलेगा। और ये सब जगह ना भाई बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है ये सब जगह। तो हाँ जी, अभी मैं आ चुका हूँ द फीस अली पे, ये आपका द मालवन, सॉरी द लालवन फूड पार्क के अंदर में है, ठीक है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट की तरफ पे है ये वाला रेस्टोरेंट, ठीक है। मैं आपको सारी की सारी इंक्वायरी बता दूंगा, बैक कैमरा से मैं आपको सारी की सारी चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी, ये जो आप देख रहे हो, इसका नाम है द अली फिश, देख रहे हो, इस रेस्टोरेंट का नाम है द अली फिश, ठीक है। और ये है नालबन फूड पार्क के अंदर में है, ठीक है, सॉल्टलेक सेक्टर 5। कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे मेंशन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, द स्टेट फिशर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है ये गवर्नमेंट की तरफ से है ये रेस्टोरेंट, ठीक है। आते ही मैंने ऑर्डर दे दिया भाई। ये रेस्टोरेंट में ना मैं देख रहा हूँ ना, साइट में जितना मार्क हुआ है सिर्फ ये सब ही अवेलेबल है, ये आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए सिर्फ उन लोगों के पास यही अवेलेबल है, बाकी कुछ भी चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाकी क्या प्राइस है क्या नहीं, वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये वाला साइड में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, डिजर्ट भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि भाई उसका टेस्ट कैसा आएगा क्या नहीं, तो मैंने इसीलिए फिश फ्राई, बासा फिश फ्राई का 1 पीस ऑर्डर दिया है, जिसका कीमत है आपका 64 रुपीज़ और 5% GST भी लगेगा, ठीक है। और अभी मैं टाइम के बारे में बात करूँ तो लगभग आपका 7 ही बजने ही वाला है। और भाई मेरा घड़ी के ऊपर में टेम्पर ग्लास लगाया, पता नहीं कैसे स्क्रैच हो गया, देख रहे हो ना भाई। और देखते देखते मेरा फिश फ्राई भी आ चुका है भाई, सर्विस उनका बहुत ही फास्ट है, ठीक है। भाई ने बोला था कि ये फिश बहुत ही फ्रेश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साइड में, मतलब बहुत ही बड़ा एक लेक टाइप का है, वो लोग बोल रहे हैं वहाँ का फिश होता है, ठीक है। थंबनेल के लिए मैं पिक ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसा है क्या नहीं। तो हाँ जी, अभी मैं इस फिश फ्राई को ट्राई करके आपको बताऊँगा टेस्ट कैसा है क्या नहीं। और अभी मैं मेरा टेबल चेंज कर लिया, रीज़न क्या है पता है, सामने में IPL चल रहा है, तो इसीलिए मैं मेरा टेबल को चेंज करके वहाँ आ गया, ठीक है। मतलब भाई उनके पास काफ़ी कम का ऑप्शन है ना, तो इसीलिए मेरे को ज़्यादा कुछ ऑर्डर करने के लिए डर लगा, तो इसीलिए मैंने एक ही फिश फ्राई को ऑर्डर किया। अगर अच्छा लगा तो देखते हैं कुछ और ऑर्डर करूँगा, नहीं तो नहीं। अगर ये अच्छा नहीं लगा तो कुछ और ऑर्डर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो जी, अभी मैं इस फिश फ्राई को ट्राई करता हूँ। हल्का सा गर्म है, मेरे को लगता है पहले से था, उसको ओवन में लोग गर्म करके दिए शायद, कुछ अंदर में कुछ ऐसा है, देख रहे हो भाई। और सबसे बड़ी बात यह है ये बासा फिश है, कासुंडी के साथ सबसे पहले ट्राई करते हैं।
भाई मैंने ऐसा इसका कुछ फ्लेवर मेरे को नहीं लगा है, लेकिन ऊपर का जो क्या बोलते हैं ये ऊपर का पार्ट को जो मैंने अभी खाया ये भाई कमल का मेरे को लगा है, ऊपर में पूरा क्रिस्पी है भाई। अभी देखते हैं फिश फ्रेश है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। एक नंबर लग रहा है। उसको ना मैं कासुंडी के साथ खा रहा हूँ, कुछ अलग सा फ्लेवर आ रहा है भाई, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है उसको कासुंडी के साथ खाने के लिए। मस्त है देख रहा भाई, फिश कुछ ऐसा है ये वाला फिश। मस्त है भाई, फुली रिकमेंड मैं करता हूँ आपको। मतलब उससे पहले कभी मैं फिश फ्राई खाया था नहीं, मैंने पहली बार खा रहा हूँ और वहाँ पे खा रहा हूँ, मेरे को अच्छा ही लग रहा है। और कोलकाता में और कहाँ कहाँ अच्छा फिश फ्राई मिलता है अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना भाई मेरे को, ठीक है। एक काम करता हूँ, उसको मैं ऑलरेडी तो 50% ख़त्म कर लिया और जो भी है उसको ख़त्म करके मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ, ठीक है। और भाई जो रेस्टोरेंट के इंटीरियर देख लो भाई, कुछ ऐसा इंटीरियर है भाई, इतना अच्छा नहीं है, कितना बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है, ठीक है। और सामने में भाई IPL चल रहा है, आज मुंबई वर्सेस कोलकाता का मैच है, ठीक है। देख रहे हो भाई इंटीरियर कुछ ऐसा ही है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, ठीक है। इवनिंग के हिसाब से जैसा क्राउड होना चाहिए ऐसा ही है भाई। तो हाँ जी, और एक बार भाई उनका फिश फ्राई कमल का था जैसे कि मैं आपको बताया, तो मेरे को फिश फ्राई बहुत ही अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने और भी एक चीज़ ऑर्डर दे दिया। एक्चुअली चिंगुड़ी मलाई करी का प्लान था वो ऑर्डर दूँ, वो 100 रुपये का था, लेकिन जो मैंने उनको पूछा कि साइज़ कैसा रहेगा, बोला कि सर इतना सा रहेगा। भाई इतना सा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा मेरा पैसा, तो इसीलिए मैं बोला उसको छोड़िए आप एक फिश पतूरी दीजिए, वो भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया भाई। आज एक ही दिन में मैं दो न्यू आइटम ट्राई किया और ये भी आ गया। नहीं भाई सलाद को रहने दीजिए, और दिखते दिखते मेरा पतूरी भी आ चुका है भाई, मैं आपको बैक कैमरा में अभी दिखा रहूँगा दिखने में कैसा है क्या नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ये भी बासा फिश का ही है, जो मैंने फिश फ्राई ट्राई किया वो भी भाई बासा फिश का है और ये भी भाई बासा फिश का है। आज पूरा दिन मैं बासा फिश ही खा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी बैक कैमरा से दिखने में कैसा है क्या नहीं। तो हाँ जी, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो ये है भाई फिश पतूरी, और ये भी है भाई आपका बासा फिश। उसके ऊपर मतलब फिश के ऊपर में ये मसाला का मतलब क्या बोलते हैं उसको, मसाला है फिश के ऊपर में। अच्छा ये बोनलेस ही है, गर्म है भाई। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है, ये लोग खाना इतना गर्म देता है लेकिन इतना जल्दी कैसे दे देता है भाई, 2 मिनट में उनका ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। अभी मैं उसको ट्राई करके आपको बताऊँगा टेस्ट कैसा है क्या नहीं। तो चलो जी अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये चम्मच वगैरह दिया है लेकिन भाई ये सब कुछ काम का नहीं है भाई, हम हाथ में ही खाएंगे। पहले उस मसाला को ट्राई करते हैं, ये सोरिस का मसाला है भाई ऊपर में। मसाला भी भाई कमाल का लग रहा है। अभी इस फिश को मैं ट्राई करता हूँ, देख लो भाई कुछ ऐसा है ये वाला। भाई कमाल का लग रहा है, नेक्स्ट लेवल भाई, टेस्ट गजब है उनका। मतलब फिश जितना फ्रेश है ना भाई, मैं आपको वीडियो में बता नहीं पाऊंगा भाई, फिश बिल्कुल फ्रेश है बिल्कुल, और ये पूरा गर्म है भाई, पूरा गर्म। अभी उसके ऊपर थोड़ा मैं रिसर्च करके खाऊंगा, ये प्याज और गाजर को थोड़ा डाल देता हूँ, प्याज के साथ थोड़ा खाता है भाई। Mm-hmm.
गजब लग रहा है भाई, नेक्स्ट लेवल लग रहा है। ठीक है, उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ। ठीक है, तो हाँ जी, खाना पीना हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट। भाई खाना उनका नेक्स्ट लेवल था, जो मैंने दो आइटम ट्राई किया भाई, बट मैं फर्स्ट टाइम खाया, उससे पहले ना मैंने कभी फिश पतूरी खाया था, ना मैंने कभी फिश फ्राई खाया था। एक नंबर लगा। मेरे को याद है मैंने चिकन कोबिराजी या ऐसा कुछ कुछ ट्राई किया था, वो मेरे को बहुत ही बेकार लगा था। वो भी मैंने खाया था बुक फेयर में। ठीक है, हाँ उसका ब्लॉग मैं आप लोगों को नहीं दिया था, सडनली चला गया था ऐसे। ठीक है, लेकिन मैं फिश फ्राई खाया भाई, मेरे को गजब लगा भाई, मैं लेटरली आपको बता रहा हूँ ना भाई, नेक्स्ट लेवल लगा। और एक बात भाई, अगर आप लोग वहाँ आ रहे हो, उनका 4 नंबर गेट पे आपको बोटिंग वगैरह करने के लिए भी मिल जाएगा। अपन उसके लिए पर आदमी 150 करके लेते हैं। हाँ जी भाई, पर आदमी 150 करके हैं। ठीक, तो आप अगर आ रहे हो, आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। मैं तो अकेला हूँ, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा भाई। गजब लगा, आज से मेरा, आप बोल सकते हो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट हो गया भाई। मैं आपको मेरे चैनल में उनका होटल में नेक्स्ट बहुत ही सारे ब्लॉग मिलेगा ही मिलेगा भाई। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। बस एक चीज़ मेरे को क्या लगा ना, ऑप्शन बहुत ही कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो जो है मतलब अवेलेबल, उनके पास बहुत ही कम चीज़ अवेलेबल है भाई। ऑप्शन तो काफ़ी कुछ है, लेकिन जब अवेलेबल के बारे में देखते, बहुत ही कम चीज़ अवेलेबल है, वो थोड़ा मेरे को बुरा लगा। आई होप ये थोड़ा अगर वो लोग सही कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। बाकी खाना कमाल का है, कितने का बिल आया क्या नहीं वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो हाँ जी, देख लो मेरा टोटल बिल आया 151, जो मैंने फिश फ्राई ट्राई किया था 64 रुपीस, और फिश पटोरी 80 रुपीस। ठीक है, GST वगैरह लेके टोटल जी एस टी लिए मेरे से लगभग 8 रुपया 151 ही हुआ है। कोई नहीं, बिल पेमेंट करते, प्राइस बहुत ही रिजनेबल है। जो टेस्ट था भाई, टेस्ट के हिसाब से मेरे को प्राइस बहुत रिजनेबल ही लगा। कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा प्राइस होना भी चाहिए। आप कहीं स्ट्रीट में खा रहे हो ना, वो लोग आपसे 40 रुपया 50 रुपया लेते हैं स्ट्रीट में फिश फ्राई का, तो वो तो भाई आप किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हो 64 रुपीज़ टेके, तो क्या ही बेकार है। अच्छा है, ठीक है, कोई नहीं, अभी बिल पेमेंट करके निकल जाता हूँ, फिर बाकी का बाद में करते। तो हाँ जी, कल रात तो और मैं वीडियो को एंड कर नहीं पाया भाई, आते तो थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर मैंने खाना पीना खाया, और भी मेरा होमवर्क्स वगैरह था वो सब ख़त्म करके मैं कॉफ़ी सो गया था, वो मेरे को खुद ही पता नहीं था। और अभी मैं टाइम के बारे में बात करूँ तो लगभग 7:50 हो चुका है, मतलब 8 ही बजने वाला है। और अभी मैं निकल रहा हूँ अपने कॉलेज के लिए। रहा बात भाई फिश फ्राई की, कमाल का था भाई, एक नंबर था। मैंने तो पहली बार खाया और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और जो फिश पतूरी था भाई, वो भी कमाल का था भाई। उसको ना मतलब उसके साथ ना, लाइक आप राइस के साथ उसको खाओगे ना, आई थिंक और भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो और कहाँ कहाँ अच्छा फिश फ्राई मिलता है कोलकाता में, अगर आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉग को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करता हूँ, यहीं पे एंड कर लेता हूँ। वीडियो को लाइक कर लेना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल। Thank you.